24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ में शीतल। गांजा बेच रहे थे आरोपी दो गिरफ्तार। बंडोल पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सिवनी, बंडोल पुलिस ने गांजा बेचने वाले अलग अलग गांव से दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरोध एनटीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही की। बंडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कठरिया में शंकर साहू पिता चिंताराम साहू उम्र 41 वर्ष के द्वारा दिनांक 17/3/2021 अवैध रूप से गांजा रखते हुए गांव में ही बेचते पकड़ा गया, जिसके पास से बंडोल पुलिस ने 250 ग्राम गांजा जब्त किया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आनंदी तिवारी पिता दौलत प्रसाद तिवारी उम्र 55 वर्ष तकिया वार्ड नंबर 2 निवासी छपारा थाना छपारा के पास से दिनांक 18/3/2021 को ग्राम बखारी में 1 किलो गांजा बेचते हुए बंडोल पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। उक्त दोनों अपराधियों के पास से कुल 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 12,500 रुपए है, जिनके विरुद्ध धारा 8-20 एनडीपीसी के तहत कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर, सहायक उप निरीक्षक भुजबल प्रजापति, अशोक सेन, प्रधान आरक्षक जसवंत सिंह ठाकुर, अमर उइके, आरक्षक विश्राम धुर्वे, राजेश सयाम, सुधीर डहरिया, महिला आरक्षक कुसुमलता ठकरिया का सराहनीय योगदान रहा। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस सिवनी से भूपेन कुरैसी की रिपोर्ट।